हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी पर फेंका गया है विस्फोटक। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति के काफिले पर बहुत बड़े हमले की बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां भारत पर आतंकी हमले करे पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया के मुसलमान। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये अपील की है दोस्तों इन मुस्लिम देशों से। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर, आखिर इतनी हिम्मत कैसे दिखाई है दोस्तों अपने भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार का अपील करके। दोस्तों बताएंगे बहुत बड़ी खबर आपको, और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में फिर लताड़ा है दोस्तों, कह दिया आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले मानवाधिकार पर ज्ञान ना दे। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर गुलाम नबी आजाद ने किया मोहन भागवत की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, और गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है दोस्तों, और मोदी जी के नेतृत्व में जल्द ही नंबर वन देश बन जाएगा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया के राष्ट्रपति के काफिले पर बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला, पुतिन की गाड़ी पर फेंका विस्फोटक। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले पर हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक हाल ही में उनकी एक यात्रा के दौरान उनके काफिले पर विस्फोटकों से हमला किया गया था दोस्तों। एक कार ने पुतिन के काफिले में आगे की गाड़ी को रोका, जबकि दूसरी कार काफिले के चारों ओर घूमने लगी और रूसी राष्ट्रपति को ले जा रही गाड़ी पर विस्फोटक फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, जनरल एसवीआर टेलीग्राम चैनल के हवाले से एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन अपने घर के रास्ते पर थे, तभी कुछ किलोमीटर दूर काफिले की पहली एस्कॉर्ट कार को एक एम्बुलेंस ने रोका। दूसरी एस्कॉर्ट कार बिना रुके इधर उधर चली गई। इसके बाद तीसरी कार के सामने के बाएं पहिए से तेज धमाके की आवाज आई। जी हाँ दोस्तों, इसी कार में पुतिन थे। तेज धमाके की आवाज के बाद धुआं आने लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हमले के बावजूद पुतिन अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ समय पहले दोस्तों विशेषज्ञों ने और रिपोर्टों से भी बहुत ज्यादा ये खबरें आई थी दोस्तों कि पुतिन को मारने का प्लान बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस प्रकार के हमले ये दर्शाते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के जान के पीछे दोस्तों लोग लगे हुए हैं। और ऐसे में ये जानकारी सुनने के बाद पूरे विश्व में तहलका मचा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। जिस प्रकार से भारत और रशिया के बीच अच्छे संबंध है दोस्तों, और पुतिन ने हमेशा भारत की मदद की है दोस्तों, और भारत का भी झुकाव हमेशा रशिया की तरफ रहा है दोस्तों, ऐसे में पुतिन पर ये हमला आखिर कौन करवा सकता है दोस्तों, क्या लगता है आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इस्लामिक स्टेट की बहुत बड़ी अपील, भारत पर आतंकी हमले करे पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया के मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, भारत को लेकर बहुत बड़े खतरे की खबर है दोस्तों। इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा खुलेआम भारत में आतंकी हमलों की अपील मुसलमानों से की गई है दोस्तों। अबू उमर अल मुजाहिरीर इस उपनाम वाले प्रवक्ता की तरफ से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों के साथ आने की अपील की गई है दोस्तों। इनसे कहा गया है कि वो भारत के खिलाफ हमलों को एक साथ मिलकर अंजाम दे। मंगलवार को एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के जरिए ये बयान जारी किया गया है दोस्तों। मुजाहिर ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट का मकसद भारत में इस्लाम की रक्षा करना है, जहां पर ये लगातार सरकार की तरफ से हो रहे हमलों का निशाना बन रहा है। जी हां, मुजाहिर ने कहा, डर ने आप सबको खा लिया है और इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने में आप सबकी हिम्मत खत्म हो गई है, साथ ही अब आपके अंदर अपने दुश्मन से भी लड़ने की ताकत नहीं बची है। मुजाहिर ने अरबी भाषा में 32 मिनट का ये भाषण जारी किया है दोस्तों। इसमें उसने भारत के मुसलमानों को केंद्र में रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में रह रहे मुसलमानों को भी संबोधित किया है दोस्तों। और इससे पहले इस भाषण के कुछ ही मिनट पहले एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें आईएस के आतंकी उन कुर्दिश सैनिकों को मारने की बात कह रहे थे जिन्हें युद्ध बंदी बनाया गया है दोस्तों। जब से ये आतंकी संगठन सामने आया है, तब से ही ये कई लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से दोस्तों भारत पर आतंकी
हमले करवाने की बात कह रहा है ये इस्लामिक स्टेट, एसएमएस की हिम्मत की बलिहारी देनी चाहिए दोस्तों कि इस प्रकार से ऐसी बातें कह दे रहे हैं, वो भी भारत को लेकर। दोस्तों ऐसे में इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, और जिन देशों से अपील की गई है दोस्तों वो भारत के काफी ज्यादा अच्छे मित्र हैं शिवाय पाकिस्तान के। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली और बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में फिर लताड़ा है दोस्तों, कहा आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मानवाधिकार पर ज्ञान ना दे। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के प्रचार और उसके संरक्षण को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का भारतीय लोगों के मानवाधिकार की चिंता करना सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो सबसे ज्यादा आतंकियों को पनाह दे रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में आरोप लगाया था कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि खलील हाशमी ने भारत में मानवाधिकार हनन को लेकर निशाना साधा था। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के प्रथम सचिव पवन बाधे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि दुनिया के आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क जिस देश में यूनाइटेड नेशन प्रतिबंधित आतंकी रहते हों, उस देश का मानवाधिकार पर बोलने से ज्यादा बड़ा छलावा कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पवन बाधे ने परिषद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को खत्म करे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का मानवाधिकार में सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि वो आतंक की फैक्ट्री चलाना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरे तरीके से दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पाकिस्तान इस लताड़ने से सीख लेगा दोस्तों, या फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा हमेशा की तरह? और हरकत से कौन बाज नहीं आता है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता पाकिस्तान में आतंकियों को पालने को लेकर दोस्तों। और एक और खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग फिक्स करने में लगे विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन बोले तो SCO बैठक में शामिल हो रहे तीन बड़े देशों के टॉप लीडर के साथ बैठक करना चाहते हैं, और इसी के मद्देनजर उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से मीटिंग फिक्स करने को कहा है। शहबाज शरीफ रशिया, चीन और भारत के टॉप लीडर्स के साथ बैठक करना चाहते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय मीटिंग फिक्स करने की कोशिश में लगा है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक चीन के शीर्ष नेता के साथ बैठक संभव है, हालांकि अभी कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि मीटिंग फिक्स करने के लिए तीन दिन पहले ही निर्देश दिए गए थे, हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। बताया ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ भारत, रशिया और चीन के शीर्ष नेताओं के साथ चंद मिनट की मुलाकात और एक फोटो सेशन चाहते हैं। इसके लिए विदेश मंत्री और विदेश सचिव खुद मीटिंग फिक्स करने में लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं दोस्तों, और मीटिंग फिक्स करवाने की बात कह रहे हैं, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलना चाहिए दोस्तों शहबाज शरीफ से, या फिर बस फोटो सेशन करके मामला खत्म कर देना चाहिए दोस्तों? आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां हिंदुस्तान और ताइवान मिलकर करेंगे चीन का काम तमाम, भारत को सुपर पावर बनाने आया फॉक्सकॉन। जी हां दोस्तों, एक पुरानी कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन के खिलाफ भारत ताइवान अमेरिका के रिश्तों के संदर्भ में अगर इसे समझे तो ये कहावत पूरी तरह से सही साबित होने जा रही है। ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रही है दोस्तों। इससे होगा ये कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की ही नहीं है दोस्तों, भारत अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करने जा रहा है। दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का चैप्टर जल्द ही क्लोज होने जा रहा है दोस्तों। आज की तारीख में दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन में जो सबसे जरूरी चीजें होती है वो होता है सेमीकंडक्टर यानी चिप। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, और ये अब भारत में वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। मंगलवार को गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी हो गया है दोस्तों, यानी भारत अगले 2 से 3 सालों में सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा दोस्तों। इससे 1,00,000 से 1.5 लाख तो सीधे तौर पर नौकरियां पैदा होंगी। इससे भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। यूं समझिए कि ये कंपनी भारत में जितना बड़ा निवेश करने जा रही है, दुनिया के करीब 70 से 100 देशों की अलग अलग इकोनॉमी उतने डॉलर तक की
पहुंच नहीं रखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यही सबसे बड़ा काट बनेगा दोस्तों चीन को हराने में, और चीन की क्लोजिंग निश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक मामले में आगे निकल गया दोस्तों तो चीन को फिर कोई नहीं पूछने वाला, मानते हैं कि नहीं। और भारत दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व में अपना आत्मनिर्भर बनेगा या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और खबर की बात करें जहां रशिया ने कहा कि अमेरिका से दबाव के बावजूद भारत को समय पर S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की है। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की आपूर्ति वाशिंगटन और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत को समय पर की है। दोस्तों उसने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली उनके राष्ट्रीय हितों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस सप्ताह उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक बैठक से पहले यह टिप्पणी की, जहां दोनों नेताओं के रणनीतिक स्थिरता, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र और G20 के भीतर द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर श्रीनगर एनकाउंटर में 2 आतंकी हुए ढेर, पुलवामा में मजदूर की हत्या में थे शामिल। जी हां दोस्तों, श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। ऐसी जानकारी मिली है कि ये आतंकी 2 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम थाना क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ये 2 आतंकवादी मार गिराए गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने नौगाम थाना क्षेत्र के डंगरपोरा इलाके में एक विशेष इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें ये दोनों मार गिराए गए हैं। दोस्तों ऐसे में जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों और खबर की बात करें जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रशिया से मुक्त कराए इजियम शहर का किया दौरा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी कब्जे से हाल ही में मुक्त कराए गए शहर इजियम का बुधवार को दौरा किया और इसे अपने कब्जे में लेने को लेकर किए गए प्रयासों के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया तथा उन्हें धन्यवाद दिया। शहर में स्थित सिटी हॉल भले ही जलकर तबाह हो चुका है, लेकिन यूक्रेन का झंडा अब वहां उसके सामने शान से लहरा रहा है। रूसी सैनिकों ने पिछले हफ्ते युद्ध ग्रस्त शहर को छोड़ दिया था क्योंकि यूक्रेन ने एक व्यापक जवाबी कार्रवाई की थी। दोस्तों कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के सैनिकों ने देश के उत्तर पूर्वी खारकीव क्षेत्र के विशाल इलाकों को फिर से कब्जे में ले लिया था। इजियम का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया। एक और खबर की बात करें जहां पर आखिर ऐसा क्यों कहा विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कि लद्दाख में चीन सीमा पर एक समस्या कम हुई। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास एक समस्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट बोले तो PP-15 पर भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने का मतलब चीनी सीमा पर एक समस्या का कम होना है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन्ना के साथ वार्ता के बाद जयशंकर जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया था। इससे संबंधित पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि मैं नहीं समझता कि आज मैं कुछ नया कहूंगा, इसके बजाय मैं मानता हूं कि हम दोनों देश पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटे। पीछे हटने का काम मैं समझता हूं कि पूरा हो गया, सीमा पर एक समस्या कम हुई। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर SCO में ईरान को साथ लाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका यूरोप के खिलाफ चल दी बहुत बड़ी चाल। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान से पहले कजाकिस्तान पहुंचे हैं। 2 साल बाद वो किसी देश की यात्रा पर हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 सितंबर यानी गुरुवार के शंघाई SCO सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो इस सम्मेलन के दौरान चीन, रशिया, भारत और मध्य एशिया के नेता 2 दिनों तक एक साथ होंगे और इस दौरान कई मसलों पर चर्चाएं होंगी। और चीन की माने तो इस सम्मेलन का संगठन के सदस्यों को एक साथ लाना है। दोस्तों तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस दौरान पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नई शक्ति देखने को मिल सकती है। वो इसे नया शीत युद्ध ब्लॉक तक करार दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो मध्य एशिया में कई देश हैं जहां पर चीन ने भारी भरकम निवेश किया।
है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो रशिया के प्रभाव में रह चुके हैं। साल 2013 से 16 में शी जिनपिंग ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया था और इस दौरान चीन के साथ उसके रिश्ते और बड़े हैं। साथ ही में 2016 में ही आग्रेन पेप रेलवे लाइन का संचालन शुरू हुआ था। दोस्तों ऐसे में यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन के राष्ट्रपति अमेरिका यूरोप के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की बात। पाकिस्तान को F-16 के लिए भेजी जा रही मदद पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान बेड़े के रखरखाव के लिए पैकेज देने के अमेरिका के फैसले पर भारत की ओर से चिंता प्रकट की। राजनाथ सिंह ने ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की और इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान के F-16 विमानों के बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के अमेरिका के हालिया फैसले पर भारत की ओर से चिंता प्रकट की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर अच्छी और लाभप्रद बातचीत हुई। हमने रणनीतिक हितों और विस्तृत रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के बढ़ते तालमेल पर चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि हमने तकनीकी और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने के तरीकों एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिहाज से अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन के साथ बातचीत जारी रखने के लिए आशान्वित हैं। दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की भूटान नरेश से मुलाकात। आखिर ये देश क्यों है भारत के लिए खास, आपको बता दें, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। माना जाता है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों तथा उन्हें और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चाएं की। भारत और भूटान ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध साझा करते हैं दोस्तों, जो समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। इस अवसर पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के लिए भूटान कितना ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। दरअसल भूटान चार भारतीय राज्यों बोले तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ 699 किलोमीटर की लंबाई के साथ अपनी सीमा साझा करता है और भारत चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। भूटान भारत के लिए एक बफर स्टेट के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा करके चीन संग बड़े खतरे से भारत को बचाता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहाँ अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानी का खुला राज। जो बाइडेन को इनाम की अब वसूल रहा कीमत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पाकिस्तान पर मेहरबानी का अब धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा है। दोस्तों आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी हथियार डील पर घिर गए। दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को $45 करोड़ की सैन्य सहायता देने के कदम को जायज ठहराया। दोस्तों ऐसे में अब सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। दोस्तों आखिर क्यों अमेरिका ने की है पाकिस्तान की इतनी बड़ी मदद, तो बता दें आपको, जो बाइडेन और सीनेटर रिचर्ड लुगार की मदद से पाकिस्तान की किस्मत ने पलटी खाई और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने जो मदद रोकी थी वो फिर से शुरू हो गई। जो बाइडेन की कोशिशों का नतीजा था कि पाकिस्तान को $1.5 अरब की मदद दोबारा मिलने लगी। दोस्तों तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लुगार और जो बाइडेन को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा था। जो बाइडेन की मदद के एवज में पाकिस्तान ने उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया था दोस्तों। लेकिन आप सभी को बता दें कि अमेरिका दोस्तों पाकिस्तान की मदद फ्री में भी नहीं कर रहा है। एक और खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश की पीएम हसीना ने कहा, भारत से मैं खाली हाथ नहीं लौटी। जी हां दोस्तों, भारत के दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनकी भारत यात्रा से बांग्लादेश को काफी फायदा हुआ है और वो खाली हाथ नहीं लौटी है। हसीना करीब एक हफ्ते बाद वो 5 से 8 सितंबर तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोविड महामारी के कारण 3 साल के लंबे अंतराल के बाद मेरी यात्रा ने बांग्लादेश भारत संबंधों में एक नया द्वार खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत ईमानदारी दिखाई है और मैं खाली हाथ नहीं लौटी हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहाँ तालिबान का बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान से गतिविधियों का अंजाम देते हैं आतंकी जैश सरगना मसूद
मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दोस्तों तालिबान ने जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इनकार कर दिया और आरोप लगाया है कि ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की जमीन से संचालित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संगठन पाकिस्तान में सरकारी संरक्षण में अपना काम जारी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि पाकिस्तानी मीडिया में जैश प्रमुख अजहर के अफगानिस्तान में होने से जुड़े दावे किए गए थे। खबरों में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान को एक चिट्ठी भी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब तालिबानियों ने क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है और ऐसे आतंकी संगठन पाकिस्तान से ही गतिविधियों का अंजाम देते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मसूद अजहर सच में पाकिस्तान में ही है? दोस्तों क्या अपनी बात को क्लियर करने के लिए और अपना पलड़ा झाड़ने के लिए दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने आरोपों को मढ़ रहा है? दोस्तों आपकी जो भी राय हो जरूर बताइएगा और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन जाएंगी और उन्हें भारत सरकार की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगी। राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख एवं ब्रिटेन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर को निधन हुआ था। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर गुलाम नबी आजाद ने की मोहन भागवत की जमकर तारीफ, कांग्रेस पर बरसे, बताया अपना एजेंडा। बता दे कांग्रेस से अलग होने के बाद से ही गुलाम नबी आजाद को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं दोस्तों कि वो जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अनुच्छेद 370 को लेकर वो कश्मीर के लोगों से कोई वादा नहीं करना चाहते। अब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जमकर तारीफ की। अयोध्या और ज्ञानवापी के मसले पर बात करते हुए आजाद ने कहा, मुझे नहीं पता कि भाजपा या आरएसएस के किसी नेता ने कहा कि हर मस्जिद को तोड़ना है। कुछ चीजें आरएसएस के लोगों की स्वागत करने योग्य हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद तोड़ी नहीं जा सकती। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि गुलाम नबी के प्रति भाजपा पहले से ही नर्म रही है। इस पर आजाद ने कहा कि वो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 3 मुख्यमंत्रियों को नजरबंद किया गया था क्योंकि वे वहां थे। एहतियात के तौर पर उन्हें नजरबंद किया गया था, लेकिन मैं कश्मीर में नहीं दिल्ली में था। मैं दिल्ली में कौन सा प्रदर्शन करता? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गुलाम नबी आजाद के इन स्टेटमेंट का दोस्तों क्या आप समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर दोस्तों। और एक और खबर की बात करें जहां पर मोदी कैबिनेट ने यूपी में गोंड समुदाय को दिया ST का दर्जा, सीएम योगी ने जताया आभार। बता दे नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट ने बुधवार को यूपी के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति बोले तो SC से हटाकर अनुसूचित जनजाति बोले तो ST में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही गोंड की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राज गोंड को भी ST में शामिल किया गया है। दोस्तों सरकार के इस फैसले से यूपी के लगभग 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, अब नई जातियों को ST का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर ओवैसी ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर कसा तंज, कहा मोदी जी चीते से भी तेज भागते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चुटकी लेते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि गंभीर मुद्दों से बचने के मामले में वो यानी मोदी जी चीते से भी तेज हैं। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि ये भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों को खोल देगा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों का सर्वेक्षण करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम की भी आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी जी से पूछेंगे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर गया तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाएंगे, लेकिन चीन नहीं बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर बार की तरह दोस्तों जब भी ओवैसी जी अपना जुबान खोलते हैं दोस्तों वो मोदी जी को घेरने की जरूर कोशिश करते हैं। सही या गलत बात की बात होती है दोस्तों, लेकिन उनका निशाना हमेशा से केंद्र ही रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। ओवैसी की आखिर बौखलाहट इतनी अधिक क्यों बढ़ गई है दोस्तों, क्या लगता है आपको जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर दिल्ली कार ड्राइवर हो जाएं सावधान, पिछली सीट बेल्ट ना लगाने पर काटे जा रहे हैं ₹1000 का चालान। बता दें दिल्ली कारों में सफर करने वालों के लिए अब पिछली सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य हो गया है। बताया ये जा रहा है कि अब कार में पिछली सीट बेल्ट ना लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बेल्ट ना लगाने पर ₹1000 का चालान कर सकती है। पिछली सीट बेल्ट लगाने का नियम है, लेकिन हाल में मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत
हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पिछले सीट बेल्ट लगाने को लेकर जो नियम निकाला गया है दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।